हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो, मैं अपनी वर्कशॉप में हूँ और मेरी एक वर्कशॉप में गाड़ी आई है डिस्कवर 150 cc की। उसके अंदर गाड़ी में हो क्या रहा है, उस गाड़ी की जो किक होती है वो बिल्कुल जाम हो गई है, प्रॉपर काम नहीं कर रही है, मतलब होता है ना, वर्क नहीं कर रही है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो एक भाई हमारे, ये कैसे भी आप? बढ़िया भैया। तो ये भाई हमारे गाड़ी लेके आए हैं, रस्ते में से निकल रहे थे धक्के मारते हुए, तो उन्होंने सोचा हमारी वर्कशॉप पे एक बार विजिट करो, एक बार दिखाएं, और सबसे अच्छी बात है मेरी वीडियोस भी देखते हैं, है ना भाई? देखो। तो आपका नाम क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताओ नाम क्या है आपका? मेरा प्रदीप नाम है। प्रदीप नाम है आपकी। जो डिस्कवर 150 उसमें हुआ क्या है? वो एक्चुअली ना कल रात को क्या हुआ, मैं बाइक चला रहा था, चलाते चलाते एकदम से ऐसा लगा कि कुछ चीज़ गिर गया। अच्छा, कोई चीज़ उसमें गिर गई है? हाँ, और एकदम से बंद हो गई। तो अच्छा, तो उसके बाद आप जिस मैकेनिक पर सर्विस कराते थे उस पे ले गए या नहीं ले गए? हाँ, उसके बाद ले गए, आज सुबह ले गए उसके बाद। अच्छा अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम आई आपकी गाड़ी में कहाँ पर आई है, घर पर या रास्ते में कहीं? नहीं, ये रास्ते में आई, मेरे घर से कम 6 किलोमीटर दूर। और वहाँ से फिर आपने धक्के मार के अपने घर ले गया रात को? घर ले गए। और घर से फिर अपना सुबह मॉर्निंग में उस मैकेनिक पे ले गए, जिस मैकेनिक पे एक्चुअली में सर्विस आता है रेगुलर जो टाइम होता है। तो उस मैकेनिक ने आपको क्या बताया? उन्होंने बोला कि तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, इसमें 6-7 हज़ार रुपये लगेंगे। और सामान कितने खराब है उसमें? उसमें कम से कम 20-25 आइटम बता दिया कि ये सब सारा खराब है। अच्छा, मतलब 20-25 आइटम इसमें खराब हो गए हैं, सीज हो गए हैं और बेकार हो गए, नए डलेंगे वो, और 6-7 हज़ार उसमें खर्चा आएगा, राइट? यही तो बताया उसने। तो भाई मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन है और ये सर्विस टाइम से कराते हो, बढ़िया सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। तो जिस हिसाब से गाड़ी की सर्विस टाइम से होती है और गाड़ी की कंडीशन अभी राइट नाउ जो मैंने देखी है, उस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कुछ एक या दो पुर्जे ऐसे हैं जो टूटे हैं, सिर्फ एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं है, एक या दो ऐसे पुर्जे टूटे हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, किक स्लिप हो रही है। अब ये वाकई में सच है या फिर 20-25 पुर्जे खराब हो गए, टूट गए हैं, वो तो क्लियर होगा इंजन खोल के। तो भाई मैं इसका इंजन खोलता हूँ फटाफट, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, हो गया आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आइए मेरे पास। एक मिनट। तो ये गाड़ी है भाई, ठीक है, डिस्कवर गाड़ी है, डिस्कवर 150, ये 125 है, सॉरी, एक तो दो मॉडल है इसमें इसलिए 125 लगती नहीं है। तो ये गाड़ी है, इसकी चाबी ऑन कर दी है मैंने, सेल्फ इसका काम नहीं कर रहा क्योंकि किक जाम है, और अभी मैं इसकी किक मार रहा हूँ तो किक लग तो रही है, ठीक है, पर किक स्लिप हो रही है, ठीक है। जैसे कि किक होती है ना गाड़ी की, क्लच प्लेटें जब ख़राब हो जाती हैं तो क्लच प्लेट ख़राब होने के बाद या फिर क्लच टाइट होने पर जो किक स्लिप करती है सेम वैसे ही पोजीशन लगती है। तो मेरे अनुमान के हिसाब से इसमें हेड में या तो कुछ हुआ है, छोटा मोटा हेड या पिस्टन में, या फिर इसकी किक जो क्लच प्लेटें होती है इसमें कुछ दिक्कत आई है। अब क्या दिक्कत आई ये तो भाई खुल के ही पता लगेगा, फटाफट से खोलते हैं और मिलते हैं आपसे इंजन खोलने के बाद। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल की वॉशिंग करने के लिए शैम्पू मंगाना चाहते हो या कोई और घर से रिलेटेड ग्रोसरी आइटम मंगाना चाहते हो, तो एक बार जिप्टो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मंगा सकते हो। 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपके घर पे वो सामान डिलीवर हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी आइटम आप अपने घर पे इजीली मंगा सकते हो, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे डिस्काउंट पर, अच्छे ऑफर प्राइस पर। एप्लीकेशन का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इस पे जाओ, क्लिक करो, डाउनलोड करो और ग्रोसरी मंगाओ, और अपनी बाइक को वॉश करने के लिए शैम्पू भी मंगा सकते हो आप, कुछ भी घर से रिलेटेड सामान से रिलेटेड मंगा सकते हो आप, ठीक है? तो जल्दी जाओ फटाफट डाउनलोड करो। तो दोस्तों ये देखो क्या हाल हो रखा है इसका, यार मैं तो हैरान हूँ, मतलब ये देखो मैं आपको छुटा के दिखाता हूँ, ये मैंने छुटाया, ओ भाई साहब क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन के अंदर पेंट कर दिया हो, बट यार बिलीव नहीं कर रहा मैं इस चीज़ को कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब इसको खोल के देखता हूँ पूरा, उसके बाद पता लगेगा। मतलब यार इंजन में जो भी पुर्जा मैं खोल रहा हूँ उसको कुछ इस तरीके से स्थिति निकल रही है, बट अगर मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसका इंजन अंदर से येलो शेड में रहता है और प्योर वाइट रहता है, एकदम क्लीन, एकदम चमकता हुआ। अगर इंजन ऑयल चेंज भी कराता है ना बंदा, तो यार मुझे लगता नहीं कुछ इतना ज़्यादा गंदा निकलता है इसका इंजन। इसकी प्लेट को मैं देख रहा हूँ तो यार ये तो बहुत ज़्यादा गंदा निकल रहा है, और ऊपर का इंजन देखा जाए तो एकदम चमकीला सिल्वर है। तो यार आपका इंजन भी ऐसा ही है क्या, एक बार कमेंट करके जरूर बताना यार, आपकी इंजन ऐसे ही रखते हो क्या अंदर, ये होता कैसे? मैं तो आगे बता दूंगा ये बात, बट यार ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है। मतलब देखो अंगूठा देखो मेरा यार, कितना ज़्यादा इसको क्लीन कर रहा है थोड़ा सा हल्का सा रब करने पर। अगर ये इंजन टाइम पर फ्लश भी कराता ना तो कसम से ये दिक्कत नहीं आती गाड़ी में। भैया मैं तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी चमत्कारी की, ये देखो भाई साहब, आप बिलीव कर पा रहे हो कितना ज़्यादा गंदा इंजन है इसका? यार मैं क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे इंजन आते हैं ना, बड़ा दुख सा होता है इस गाड़ी को देखकर। ये देखो इसका क्लच देखो कितना गंदा हो रखा है। इसे क्लच के ऊपर मैं सोल का पूल लगा के इसको पूरा प्रॉपर सेट करता हूँ,
इसका पूरा जो क्लच की असम्बली पूरी फूकी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से। मैं आगे आपसे ना दो चार से बातें करता हूँ उस कस्टमर से और आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि इसकी कंडीशन कैसे ठीक होगी। दोस्तों मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में ये जो गाड़ी का इंजन खुल रहा है, इसका इंजन इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा मेल्टी था, जैसे कि इसके इंजन में लोकल ऑयल यूज़ किया गया हो, और साथ में जो इंजन के अंदर गंदगी होती है उसके साथ रमते रमते ये पूरा इंजन डैमेज हो गया हो। अगर किसी मैकेनिक के पास ये जाता इंजन तो वो बहुत हैरान हो जाता, जैसे कि मैं हैरान हुआ हूँ। इसका इंजन पूरा खोलने के बाद जब हमने इसके स्पेयर पार्ट चेक किए तो बहुत ही गंदे तरीके से वो कट चुके थे। इसकी पूरी कंप्लीट क्लच असेंबली पूरी कट गई थी और जो इसकी टाइमिंग चेन होती है पूरी कट चुकी थी। इसका पिस्टन सीज मार गया था। अफसोस की बात ये थी कि इसके इंजन में आधा लीटर ऑयल था, उसके बाद भी इसका पिस्टन सीज मार गया। सबसे मेन रीजन था इसका पिस्टन सीज होने का इसके ऑयल पंप के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी का जमा होना और ऑयल पंप की सर्कुलेशन को स्लो होना। जब ऐसा हुआ तो इसकी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक इसका पिस्टन हीट होने लग गया और इसके बाद सीज मार गया। ये गाड़ी के अंदर एंड टाइम पर जो दिक्कतें आपके सामने हैं दिखी हैं, गाड़ी कस्टमर ढक्के मार के लेके आया, उसके बाद गाड़ी मैंने इंजन खोला, फिर गाड़ी में जिस मैकेनिक ने इसमें बताया था कि 20-25 आइटम इसमें ख़राब होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 20-25 आइटम इसमें नहीं ख़राब हुए, 5-6 आइटम इसमें डाले, गाड़ी ओके हो गई। इस गाड़ी में जो टोटल खर्चा आया वो आया तकरीबन 4,500 के आसपास का खर्चा आया, 2,000 में हमारी लेबर हुई है। पूरे इंजन को पूरा प्रॉपर डीप क्लीन करने के बाद गाड़ी ओके कर दी है। तो गाड़ी को ओके करने के बाद जब इसका साउंड सुन के देखा तो एकदम मलाई मक्खन साउंड हो गया। अगर शिद्दत से अगर किसी गाड़ी का इंजन का काम करोगे आप तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर दो चीज़ बेटर होनी चाहिए, इंजन जो इसकी जो परफॉर्मेंस है सेटिंग वो अच्छी होनी चाहिए, साथ में फिट करने वाले बंदे की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके स्पेयर पार्ट्स। अगर स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल डल रहे हैं तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आ ही नहीं सकती। बंदा जेनुइन, स्पेयर पार्ट जेनुइन, इंजन जेनुइन, ठीक है। तो फटाफट गाड़ी को ओके करने के बाद कस्टमर को डिलीवरी करते हैं और उसके बाद कस्टमर डिलीवरी से आप खुद ही देख लो कैसा रिजल्ट आ रहा है इसका। फ्यू मोमेंट्स लेटर गाड़ी ओके हो गई है। गाड़ी की चाबी ये थी, भैया आ गए हैं गाड़ी लेने के लिए। भैया ने गाड़ी देख ली है, ये सामने गाड़ी खड़ी है। तो ये लो भैया गाड़ी की चाबी, गाड़ी चेक करके बताओ कैसी चल रही है गाड़ी, खुद ही बता दो आप, ठीक है ना। अभी तक चेक नहीं करे, जस्ट अभी आए हैं शाम के टाइम, कल का टाइम था, बट कोई बात नहीं, आज ही ले गए हैं गाड़ी है। जल्दी लेके बताओ भैया गाड़ी की ट्राई लेके, इंजन की लगी पड़ी थी सही तरीके से, इंजन सीज मारा हुआ था वाकई में इसका, जैसे कि आपको सभी को बताया मैंने, ठीक है। तो भैया ट्राई लेके देखते हैं गाड़ी कैसे चल रही है, थोड़ा सा साइड से बचा लो, ये निकाल लो निकल जाएगी भैया, बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत है बढ़िया। चलो भैया ये गाड़ी की ले रहे हैं भैया ट्राई, ये ओ भाई साहब ले गया भैया ट्राई। तो भैया साउंड वाउंड सब एकदम मलाई हो गया, एक बार ज़रा गए हैं ट्राई लेने, देखते हैं क्या फीडबैक देते हैं। हमको नहीं पता हमारे वर्कशॉप की गाड़ी खोलने के बाद क्या फीडबैक आएगी भैया की। ये देखो अपनी राम दुलारी खड़ी है सामने, बहुत प्यारी वाली, ठीक है। तो फटाफट से भैया का वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ हैं। तो भैया ये आ गए हमारे भैया। हाँ भैया इंजन के माफिक का दिक्कत आ रही है, बताओ भैया कोई दिक्कत? जैसा बताया था, जैसा बोला था वीडियो में वैसे ही हुआ है, कैसे हो रहा है? इंजन की साउंड वाउंड कैसा लग रहा है चलाने में? साउंड पिकअप एक नंबर, मस्त मज़ा आ गया। पैसा वसूल हुआ नहीं हुआ? बाकी भैया सर्विस कराओगे या फिर नहीं कराओगे? वहीं से करवाएंगे। नहीं आप कहीं से भी कराओ कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम से कराओ, यहीं से कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, गाड़ी रेडी हुई है मलाई एकदम, ये क्या बात है। थोड़ा आराम से चलाना भैया, मोहब्बत के साथ, नई नई दुल्हनियाँ हैं, ठीक है ना भैया। चलो ठीक है भैया, बिलिंग करा लो आप। तो भैया इनकी जो गाड़ी है, इस गाड़ी को पूरा ओके कर दिया है। इनकी गाड़ी में टोटल जो खर्चा बैठा है वो भी देखते हैं बिलिंग कराने के बाद कितना होगा, पर एक अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा बैठा है वो मैंने आपको यहाँ साइड में कोने में आ रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो ये लिखा हुआ ना, इसके आसपास बैठा है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।